हाय गाइस, मैं हूं नमिता और आप देख रहे हैं मेरा चैनल हॉल हाउस। तो आज का वीडियो बेस्ड है ओनिडा की वॉशिंग मशीन के बारे में। मैं आज इसकी अनपैकिंग एंड फर्स्ट लुक आपके साथ शेयर करने वाली हूं कि ये कैसा है। ये मुझे अभी डिलीवर हुआ है। ये बेसिकली ओनिडा का सिर्फ वॉशर है, इसमें स्पिनर नहीं है साथ में, और ये मैंने अमेजोन से खरीदा है। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। इसकी एग्जैक्ट प्राइस तो मुझे याद नहीं, पर हाँ मैंने इसको 5000 में खरीदा है। इस पर बहुत ज्यादा ऑफ नहीं था, और इसके जो डिलीवरी हुई है वो मैं आपको बेसिक बता देती हूँ। आप अपनी पसंद का स्लॉट चूज कर सकते हैं, जो टेंटेटिव डेट है उससे आगे आप किसी भी डेट पर डिलीवरी मंगा सकते हैं। मैंने नेक्स्ट संडे का, मतलब संडे के लिए बुक किया था, पर ये मुझे एक वीक पहले ही मिल गया है। चूंकि आज संडे था तो मैंने एक्सेप्ट कर ली डिलीवरी, और ये कानपुर से डिलीवर होके मेरे पास यहाँ जयपुर तक आया है। तो ओवरऑल जो पैकिंग है वो काफी अच्छे से करके आई है, जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से कार्डबॉक्स में पैक होके आया है। और जो डिलीवरी बॉय था मेरा, थोड़ा उसके साथ इश्यू भी हुआ टाइमिंग को लेके, क्योंकि मैं घर पे नहीं थी और सुबह से उन्होंने कोई मैसेज या फोन नंबर नहीं छोड़ा हुआ था जिससे मैं फोन करके टाइमिंग सेट कर पाऊं। पर ओवरऑल मुझे मिल गया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर जब आप इसे ऑर्डर करेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है कि आप इसे ओपन करके चेक कर सकते हैं, उसके बाद डिलीवरी एक्सेप्ट करें। पर जब मैंने डिलीवरी बॉय से पूछा कि क्या आप इसे ओपन करके चेक कराएंगे, तो उसने मुझे सीधे सीधे मना कर दिया। उसने बोला मैं आपको चेक नहीं करा सकता, हमारे पास ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ है कि आपको चेक कराना है। अगर आपको पसंद ना आए, आपका टूटा फूटा हो या सेम चीज जो आपने ऑर्डर की है वो ना निकले, तो आप इसको रिटर्न कर सकते हो। अब आई डोंट नो किसके अंदर से क्या निकलता है, होपफुली वॉशिंग मशीन ही निकलेगी। बट स्टिल ओपन करते हैं, साथ में ओपन करके देखते हैं। आप भी देखिए, मैं भी देखती हूँ कि कैसा है। और प्लस उसने जो मुझसे लिया है वो किसी और को डिलीवर नहीं करने वाला था, उसको मुझे ही देना था। तो उसने मुझसे साइन करवाया और एक मेरी गवर्नमेंट आईडी का नंबर लिया है उसने, कि उसके पास एक फॉर्म था उसमें मुझे फिल करना था। तो ओवरऑल वो सब कुछ हो गया है। पैकेजिंग काफी अच्छी है और बहुत हैवी नहीं है, मैं इसको आराम से खिसका के मूव कर सकती हूँ। पर हाँ, मैं इसको उठा के नहीं ले जा सकती एक जगह से दूसरी जगह तक। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैं इसकी फोटो, यहाँ पे इमेज एड ऑन कर दूंगी। तो यहाँ पे ये मेड इन इंडिया लिखा हुआ है, इसमें लिलीपुट मॉडल नंबर है, लिलीपुट 6.5 केजी इसकी कैपेसिटी है, और बाकी सारी डिटेल्स इसमें मेंशन है। और इसकी जो प्राइस लिखी हुई है वो 5400 है। तो चलिए ज्यादा बातें ना करते हुए इसको ओपन करते हैं। अच्छे से पैक होके आई है। इसमें कुछ थर्माकोल के बॉक्सेस भी हैं, पूरा रैप है अच्छे से। एंड आई डोंट नो, अच्छा ये पूरा ऐसे उठ के निकल जाएगा। वॉशिंग मशीन है, बहुत ज्यादा हैवी नहीं है, बहुत बड़ी नहीं है, छोटी सी कॉम्पैक्ट सी है। ये अपन इसकी पॉलिथीन हटाते हैं। ओके, तो अगर आप देखेंगे तो ये पूरे अच्छे से पॉलिथीन रैप हुई है इसके ऊपर यहाँ पे, और तो कहीं कुछ भी है नहीं इसमें। नीचे थोड़ी सी मिट्टी है, पर मुझे लग रहा है कि शायद वो रखे रहने के कारण हो गई है। और मुझे नहीं पता इन्होंने यहाँ पे ये पॉलीबैग क्यों लगाया हुआ है, शायद कोई स्क्रैच ना आए इसलिए पॉलीबैग है। और अगर मैं इसको यहाँ से आपको दिखाती हूँ, ये कुछ इस टाइप की है। तो ये वो वॉशिंग मशीन है, ये इसमें ये साइकिल सिलेक्टर है, नॉर्मल हैवी और ड्रेन। यहाँ पे इसका वॉश टाइमर है, ये एक कुछ है, ये 6.5 केजी लिलीपुट है, वाटर इनलेट है, और कलर काफ़ी अच्छा क्यूट सा है, और हाइट वाइज बहुत बड़ी नहीं है। तो अगर मैं इसको ओपन करूं तो ये इसकी जो लेड है आप देख सकते हैं, सेमी ट्रांसपेरेंट सी लेड है इसकी, और काफी अच्छी है, प्लास्टिक की है ये लेड। इसको नीचे रख देते हैं। और ये वो वॉशिंग मशीन है,
नई वॉशिंग मशीन की इसमें स्मेल आ रही है। इसके साथ इन्होंने ये एक वाटर इनलेट का पाइप दिया हुआ है। अगर आप इस साइड देखेंगे तो ये एक ड्रेन वाटर का पाइप इसमें लगा हुआ है और ये इसका हुक है, तो आप हुक से निकाल सकते हैं इसको आराम से। ये इसका हुक है, आप इसको निकाल दें और वापस लगा दें। और ये इसके बाकी के पाइप हैं, ये इसकी केबल है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ये वॉशिंग मशीन कैसे आई हुई है। इसको यूज़ करके और इसका रिव्यू मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूंगी। ओवरऑल देखने में काफ़ी अच्छी है, कलर काफ़ी अच्छा है, पैकेजिंग काफ़ी अच्छी होके आई थी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं से कोई डेंट वेंट कुछ भी नहीं है। पर बॉडी इसकी प्लास्टिक की बॉडी है और मैंने कुछ रिव्यूज़ पढ़े थे, उसमें था कि जो ड्रेन है वो प्रॉपर नहीं हो रहा है। मैंने अभी अभी चेक किया कि ड्रेन के लिए जब आप नॉब टर्न करते हैं वो बहुत टाइट है। एक्चुअली शायद अभी नया है तो वो टाइट है, पर हाँ एक बार हो गया तो मैं भी इसे पहले यूज़ करती हूँ, उसके बाद आपको बताऊँगी। तो अभी तक तो सब कुछ सही है, देखते हैं यूज़ करने में वॉशिंग मशीन कितनी हेल्पफुल है। तो ये इसका बेसिक था। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी करें। और नेक्स्ट जो इसका रिव्यू वीडियो है और इसमें कपड़े कैसे धोने हैं वो वीडियो देखने के लिए आप प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर एक अनदर ब्लॉग के साथ। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय।